तो हेलो भाई, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 4:46 और आज हम फाइनली जा रहे हैं सेम नागराज मंदिर, जो कि यहाँ से अराउंड 1 घंटा और दूर है। तो अभी हम लंब गाँव पर रुके हुए हैं, जो टीरी के रास्ते पे पड़ते हैं लंब गाँव। अभी हम फटाफट से उधर ही जाके दिखाते हैं आपको सेम मुखेम नागराज मंदिर। चलो वही अंधेरा देखो, एकदम ही कतई जहर वाला अंधेरा हो रहा है, फटाफट से निकलते हैं। तो ये आ चुका है हरेला गांव और नज़ारा देखो क्या बेहतरीन नज़ारा है, पूरा कोहरे से ढका हुआ, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं सेम नागराज मंदिर के अभी एंट्री पे, और हमारी गाड़ी की हालत देखो भाई, ये देखो क्या साफ हो रही थी। और भाई सेम इधर भी ऐसी हो रखा है, एकदम जीरो विजिबिलिटी, एकदम मतलब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो भाई जीरो विजिबिलिटी एकदम कतई। और ये देखो भैया शेरू, हाय शेरू। तो भाई वापस से फिर से अब हम पियेंगे चाय गर्मा गर्म। भाई ये है प्रसाद, दे मेरे को दे दे, छोटी बच्ची ने हमको प्रसाद दिया, देखो भैया। तो अब हम जो है तैयारी करते हैं ऊपर जाने की। तो भाई कर दिया हमने सारा अपना बैकपैक, पूजा वूजा का सामान। एक्चुअली हम लोग इधर पूजा के लिए आ रहे हैं, तो इधर पूजा वूजा कराते हैं ऊपर मंदिर में। अभी हमको कम से कम 1 घंटा लगेगा इधर, मतलब 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मम्मी भी है ना, तो आराम आराम से आना पड़ेगा। तो चलो भाई अब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। जय श्री नागराज मंदिर की। और इधर भाई एक चीज़ बता दूं, इधर पानी वानी नहीं है रास्ते में कहीं भी, तो जो भी इधर आएगा ना, तो अपने पास पानी की बोतल पहले से लेके रखना, क्योंकि पानी वानी का कुछ है नहीं। एक यहाँ पे है जहाँ पे रुकते हैं, और डायरेक्ट फिर ऊपर मंदिर में है, तो लगा लो भाई 3-4 किलोमीटर बिना पानी के, तो इट्स बेटर पानी रख लेना अपने पास। तो चलो भैया कैमरा करते हैं बंद, फोकस करते हैं चढ़ाई पे, क्योंकि चढ़ाई बड़ी ख़राब है। देखो ये देखो, तो भाई रास्ता देखो यहाँ ऐसा है, काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है, तो आराम आराम से आना भाई, जो भी चलेगा ना इधर, जो भी आएगा आराम आराम से आना। भाई रास्ता देखो क्या बेहतरीन है, गर्मी लगने लगी है मेरे को बहुत तगड़ी वाली, और थक भी लग रही है, ये देखो बढ़िया सा। चलते हैं अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ओ भाई मैं डर गया था अभी, यहाँ पे ना कबूतर था एक ऊपर गुड़ गुड़ कर रहा था, मेरे को लगा बाघ वगैरह आ गया भयंकर। चलो भाई, तो भाई यहाँ पे बैठने का है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करेंगे मात्र 5 मिनट का। चलो भाई गीला हो रहा है वैसे तो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाते हैं फिर भी। तो भाई अब ऐसा वाला रास्ता आ चुका है थोड़ा पक्का पक्का, तो अब यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए चलने के लिए। तो अब चलते हैं, अब शायद थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। और 7:07 हो रहा है, 8 बजे से पहले मंदिर में पहुंचना है, क्योंकि शाम को वापस भी आना है देहरादून। तो चलो भाई, भाई यहाँ की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इधर ना ये फूल हैं सारे, ये पिंक वाले, ये देखो। तो जितने भी ये फूल हैं ना, सारे के सारे ऐसे फन की शेप में हैं।
तो जितने भी फूल है सारे के सारे ऐसे फन की शेप में, क्योंकि नाग मंदिर है ना, तो शायद उससे कुछ को रिलेटेड होगा, तो सारे फूल ऐसे हैं। तो भाई वहाँ पर मंदिर की एंट्री दिख गई है हमें शायद, तो चलो फटाफट। भारी मशक्कत के बाद फाइनली मंदिर की तक पहुँच चुके हैं हम, मंदिर पे मतलब पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो अब डायरेक्ट मैं मंदिर में ही मिलूँगा। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, उधर ऊपर मंदिर है हमारा, इधर पानी पीने का है, इधर पानी पीते हैं, धूप भी आ गई। फाइनली पहुंच चुके भाई, बहुत खड़ी चढ़ाई है बट वर्थ इट होगा, तो चलते हैं अभी। तो भाई ये है सीढ़ियां मंदिर की, और यहाँ पे भी छोटा सा कोई मंदिर है, ये घंटियाँ, और अब ऊपर। तो ये इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ सारी जगह इधर घंटियाँ लगा रखी है, देखो उधर ऊपर की तरफ मंदिर है। तो भाई ये है यहाँ का एंट्रेंस, सेम नागराजा। तो भाई सेम नागराज मंदिर को पांचवा धाम भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पांचवा धाम। तो वही है, जय सेब नागराज मंदिर की जय। और ये बड़ा वाला घंटा, तो ये देखो पूरा ये बना रखा है नाग। ये कुछ इस प्रकार है मंदिर का परिसर, देखो। तो ये अब जाते हैं फटाफट से मंदिर के अंदर और पूजा कराते हैं, दर्शन करते हैं। और भाई ये देखो इतनी सारी लोगों ने मन्नतें मांगी होगी, जिन जिन की पूरी उन सब ने घंटी दान करी है यहाँ पे। तो भाई इधर जो है हम लोगों को अपना आटा लाना पड़ता है, और अपने आटे का भोग लगाना पड़ता है, बनाते हैं ये लोग। तो वही पूजा पाठ हो गया, अभी इधर ये मंदिर है। तो भाई चलते हैं और ऊपर, ना ना मेरो नहीं है वो, कुछ और है। भाई रास्ता देखो, क्या अल्टीमेट रास्ता है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता। भाई रास्ता बड़ा सुंदर है यार, रास्ता देख के एक नंबर मजा आ रहा है। तो भाई जो ये मंदिर है ना सेम नागराज, तो ये बेसिकली नागराज जी का मंदिर है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन पे काल सर्प दोष रहता है, मतलब एक तरीके से सांप का दोष रहता है कुछ, है ना पापा, सांप का दोष रहता है ना। तो एक्चुअली ये जब किसी पे सांप का दोष लग जाता है ना, तो उनके लिए आई है। तो इसकी मान्यता ऐसी है कि जो यहाँ एक बार सिर्फ मतलब पूजा कराओ या ना कराओ, अपनी सबकी इच्छा भक्ति है, लेकिन जो एक बार इधर दर्शन भी करने आ गया ना,
तो उसका जो काल सर्प दोष है वो खत्म हो जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। देखो ये क्या बढ़िया नज़ारा है, इधर हमें दो भैंसे भी मिले। अच्छा वो है छन नीचे, उधर छन है, अब इधर वो रहा वो पत्थर। फाइनली गाइज हमको पत्थर मिल चुका है, जिस पत्थर के लिए हम आ रहे थे वो देखो वो पत्थर है। तो उस पत्थर की हम खासियत बताऊंगा मैं आपको, आ जाओ मेरे साथ में भाई। अब वो जो पत्थर है ना उसकी खास बात बताऊंगा मैं आपको वहीं जाके, लेकिन तो फटाफट चलते हैं उस पत्थर के पास में। हाँ वो रहा है वो पत्थर, ये वाला। हाँ वो अच्छा, तो चलो मैं पापा को भी लाया हूँ अपने साथ पत्थर दिखाने के लिए, वो स्पेशली। तो चलो आओ फटाफट से। तो भाई देखो ये है वो पत्थर, ये देखो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसको ऐसे ही हिला पा रहा हूँ बिना कुछ जोर लगाए, लिटरली एक भी हल्का सा भी जोर नहीं लग रहा। ये देखो इतनी हिल रहा, ये देखो भाई पत्थर हिल रहा है लेकिन ये जाता नहीं है नीचे। ये देखो भाई ये एक इतना भारी इतना बड़ा पत्थर है ये देखो, और ये एक उंगली से भी हिल जाता है। हिलाओ इसको, ये देखो भाई पापा इसको बस ऐसे अंगूठे से हिला रहे हैं, हिल जा रहा है बढ़िया, और इतनी सी जगह पे अटका हुआ है ये पत्थर। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखो है वो पत्थर। ये जो पत्थर है ना दिखाता हूँ मैं आपको कैसी जगह पे ये अटका हुआ है, पहले मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो ये पत्थर सिर्फ इतनी सी जगह पे अटका हुआ है और ये भाई गिरता नहीं है, इसको कितना भी हिला लो ना हिलता है वैसे बट ऐसे। तो भाई ये था वो पत्थर जो लोग दिखाते हैं अपनी वीडियोस में बहुत बारी कि ये हिलता है ऐसे बट गिरता नहीं है। तो भाई यहाँ पे हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, वेजी चाउमीन बना रहे हैं, ऑरेंज कलर की चाउमीन बहुत ही बेहतरीन। तो चाउमीन बनाते बनाते भैया हमको बताएंगे यहाँ की कहानी इस पत्थर की। तो भैया क्या है इस पत्थर की कहानी हमको बताओ जरा। इस पत्थर में भाई कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे केदारखंड में, हाँ, तो केदारखंड एक ऐसी जगह थी कि जहाँ गांधारी के शराब महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण को स्वयं शराब मिला था ना। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण अपने शराब को मोक्ष करने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा। और इस शिला के ऊपर भगवान तब आए थे जब यहाँ उन्होंने बंसी बजाई थी। बंसी बजाई थी तो जैसे वो बंसी बजाने में मगन हुई है, हाँ, वैसे वो शिला डोलती गई। अच्छा, तो ये अभी भी इसीलिए डोलती है। बिल्कुल, तभी तब से डोलती रहती है शिला ऐसी। अच्छा, तुम चाहे कितना भी ताकत लगाओ जो उसका नियम है हिलने का उससे ज्यादा नहीं हिल पाएगी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है यहाँ पर लोग अक्सर इसी वजह से खुश रहते हैं क्योंकि मारवाड़ की जो चाय बनती है ना बढ़िया बनती छानों की, एक लकड़ी की चाय में स्वाद है। तो भैया ये आ गई हमारी चाउमीन, देखो नेचर में खाएंगे हम चाउमीन। ये देखो इतने भरे जंगल में हम चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन की एक बाइट सबसे पहले। भाई मस्त हो जी, सबसे अच्छा इसमें ना स्मोक वाला फ्लेवर है जो लकड़ी से आता है, लकड़ी पे बनी है चाउमीन। नाइस, हम चाउमीन एंजॉय करते हैं भाई अपनी पहले। तो भैया ये थी भैया की दुकान, जरूर आना यहाँ जो भी आए। तो चलो भाई अब हम यहाँ से चलते हैं वापस मंदिर की ओर, और मंदिर से हम डायरेक्ट नीचे चलेंगे। तो भैया ये वाली वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय उत्तराखंड।